एक कहावत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, अर्थात जो सामने दिख रहा है उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए के शासनकाल में बिहार में हुए सकारात्मक बदलाव को समझने के लिए 2005 के पहले के बिहार को याद करना होगा। एनडीए की सरकार जब 2005 में बनी तब एक नए युग का सूत्रपात हुआ। यह नया युग है विकास का, युवाओं के रोजी रोजगार का और समाज में अमन चैन का। केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की एनडीए सरकार ने देश प्रदेश में रोजी रोजगार की बहार ला दी है। बिहार में 2005 से 2020 के बीच 8 लाख लोगों को नौकरी दी गई और 10 लाख का लक्ष्य है जिसे शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। पति पत्नी ने भी बिहार में 15 वर्ष शासन किया, कितने लोगों को नौकरियां दी और आज नौकरी देने का झूठा श्रेय लेने की कोशिश कितने हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सही कहा है कि बिहार को जंगल राज से मुक्ति देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तत्कालीन उप मंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने बड़ा काम किया है, इसे बिहार की जनता कभी नहीं भूलेगी। एक कहावत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, अर्थात जो सामने दिख रहा है उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए के शासनकाल में बिहार में हुए सकारात्मक बदलाव को समझने के लिए 2005 के पहले के बिहार को याद करना होगा। एनडीए की सरकार जब 2005 में बनी तब एक नए युग का सूत्रपात हुआ। यह नया युग है विकास का, युवाओं के रोजी रोजगार का और समाज में अमन चैन का। केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की एनडीए सरकार ने देश प्रदेश में रोजी रोजगार की बहार ला दी है। बिहार में 2005 से 2020 के बीच 8 लाख लोगों को नौकरी दी गई और 10 लाख का लक्ष्य है जिसे शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। पति पत्नी ने भी बिहार में 15 वर्ष शासन किया, कितने लोगों को नौकरियां दी और आज नौकरी देने का झूठा श्रेय लेने की कोशिश कितने हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सही कहा है कि बिहार को जंगल राज से मुक्ति देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तत्कालीन उप मंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने बड़ा काम किया है, इसे बिहार की जनता कभी नहीं भूलेगी। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।